जैसे ही अमीनो एसिड्स किसमें चेंज हुए, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाती है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। इस प्रकार जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होने लग गई तो जो उत्तक होती है उनको कार्य करने के लिए क्या नहीं मिल पाती, आवश्यक मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पाती। ठीक है, तो अब देखिएगा जो ग्लाइकोजन है वो वापस किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज। अब देखिएगा कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होती है तो किस एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस क्रिया को, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। किस क्रिया को, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होती है इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिएगा जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हुई तो जो उत्तक होते हैं उसको कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में क्या नहीं मिल पाती, ग्लूकोज नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन होती है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लाइकोजन होती है वो वापस से किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाती है, किसके अंदर, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाती है, कौन, ग्लाइकोजन। इस प्रकार जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज होती है, ग्लूकोज में चेंज होती चली जाती है तो ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के कारण एड्रिनल डायबिटीज रोग हो जाता है, कौन सा रोग, एड्रिनल डायबिटीज रोग हो जाता है। किस कारण, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, एड्रिनल डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा यदि एड्रिनल डायबिटीज जो रोग है यानी जो डिजीज है वो लॉन्ग टाइम तक यानी लंबे समय तक बना रहे तो एड्रिनल डायबिटीज होता है वो पैंक्रियाटिक डायबिटीज में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, पैंक्रियाटिक डायबिटीज के अंदर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो ये फंक्शंस था कौन सा, इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी, फैट मेटाबॉलिज्म की। सेकंड फंक्शंस कौन सा होगा इसका, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हॉर्मोन्स का, इफेक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा उपापचय पर, वसा उपापचय पर प्रभाव। ठीक है, तो सेकंड अपन बात किसकी करते हैं, इफेक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। तो वसा उपापचय पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो देखेगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हॉर्मोन्स जो होता है वो आंत की विलाई और माइक्रोविलाई की वसा को अवशोषित करने की जो कैपेसिटी होती है यानी जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, किसको,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स आंत की विलाई और माइक्रोविलाई की वसा को अवशोषित करने की जो कैपेसिटी यानी जो क्षमता होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स। अब देखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण जो फैटी एसिड होता है उसका मोबिलाइजेशन लीवर की तरफ हो जाता है। इसकी तरफ जो फैटी एसिड होता है उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के प्रभाव के कारण मोबिलाइजेशन किसके अंदर प्रारंभ हो जाता है, लीवर की तरफ प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार उत्को में उपस्थित जो फैटी एसिड है उसका मोबिलाइजेशन लीवर की तरफ हो जाता है और साथ ही ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, फैटी एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार ब्लड में फैटी एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण इस फैटी एसिड का उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लिया जाता है। किस रूप में? एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में कर लिया जाता है। इसी के साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं किसकी, इसका जो थर्ड हार्मोन है कॉर्टेक्स पार्ट का, सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। कॉर्टेक्स पार्ट का थर्ड हार्मोन कौन सा है? सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। अब देखिएगा सेक्स हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा स्रावित, सॉरी सेक्स हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट यानी स्रावित किया जाता है, जोना रेटिकुलेटा भाग के द्वारा, जोना रेटिकुलेटा पार्ट के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कॉर्टेक्स भाग के जोना रेटिकुलेटा पार्ट के द्वारा किया जाता है और जो सेक्स हार्मोन होता है वो जनन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? सेक्स हार्मोन जनन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि यदि जोना रेटिकुलेटा पार्ट के द्वारा सेक्स हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावण किया जाए, अधिक मात्रा में क्या किया जाए, स्रावण किया जाए, तो जो फीमेल होती है उसमें मेल के लक्षण शो होने लग जाते हैं। फीमेल के अंदर इसके लक्षण, मेल के लक्षण शो होने लग जाते हैं। कहने का मीन ये है कि सेक्स हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण फीमेल के अंदर मेल के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आवाज भारी होना और दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे के सारे फीमेल के अंदर करेक्टर शो होने लग जाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं अपन, हिर्सुटिज्म। क्या बोलते हैं? हिर्सुटिज्म कहा जाता है, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेक्स हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावण होने के कारण फीमेल में मेल के लक्षण शो होने लग जाते हैं, जिसके कारण इस रोग को क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि यदि सेक्स हार्मोन क्या किया जाए, जोना रेटिकुलेटा पार्ट के द्वारा अधिक मात्रा में स्रावण किया जाए तो क्या होता है, जो मेल होती है उसमें फीमेल के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मेल में फीमेल के लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इस प्रकार मेल के अंदर फीमेल के लक्षण उत्पन्न होना ही क्या होता है, मेल में फीमेल के लक्षण कौन से उत्पन्न होंगे, जैसे आवाज का सुरीला होना। ठीक है, तो जैसे ही मेल के अंदर फीमेल के लक्षण उत्पन्न होंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं इसे, गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है। मेल के अंदर फीमेल के लक्षण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है। इस प्रकार
एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के द्वारा निम्न तीन प्रकार के हॉर्मोन्स का स्त्रावण किया जा रहा था। फर्स्ट कौन सा था? मिनरलोकोर्टिकोइड हॉर्मोन, सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड हॉर्मोन, थर्ड सेक्स हॉर्मोन। ठीक है, अब तीनों हॉर्मोन्स के फंक्शंस आपको बता दिए और आगे जब इसकी एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसके कम स्त्रावण से क्या होता है और अधिक स्त्रावण से क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है किसके हार्मोनों को? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों को लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा इन हार्मोनों का कम मात्रा में स्त्रावण किया जाए तो मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मेनली ये होता है ACTH और MSH के कारण। ठीक है, वैज्ञानिक सबसे ज्यादा किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इसके लिए? ACTH और MSH। ठीक है, बट आप ध्यान रखना कि मिनरलोकोर्टिकोइड जो लवण संतुलन का कार्य कर रहा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड किसका संतुलन के कार्य किसका संतुलन कर रहा था? ग्लूकोकॉर्टिकोइड शर्करा का संतुलन कर रहा था। सेक्स हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी था? जनन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, अब देखिएगा कि यदि इन हार्मोनों की कमी हो जाए तो अपनी बॉडी है उसके अंदर न तो लवणों का संतुलन बना रह सकता है और न ही शर्करा का संतुलन बना रह सकता है और न ही जनन अंगों का विकास हो सकता है। ठीक है, यदि इन हार्मोनों की कमी हो जाए तो मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन हार्मोनों को लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड को फोरस ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? फोरस ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को फोरस ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये निम्न चार कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। फर्स्ट लवण संतुलन, सेकंड शर्करा संतुलन, थर्ड स्ट्रेस संतुलन और फोर्थ है लिंग। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड को फोरस ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, लवण संतुलन, शर्करा संतुलन, स्ट्रेस संतुलन और लिंग संतुलन। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों को क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है यानी हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकेंड अपन बात करेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला।